नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हंगर्स हब में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊं एक नई रेसिपी जो कि है मखाने की खीर, जो कि बड़ी स्वादिष्ट बनती है और आप इसको चाहें तो व्रत में भी खा सकते हैं। इसके लिए लेंगे एक पैन जिसमें कि मैं डाल दूंगा एक चम्मच के करीबन घी। यहाँ पर मैंने गाय का घी यूज़ किया है और मैं आप सभी को भी प्रेफर करूँगा कि आप गाय का या कोई भी घी ही यूज़ करें, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ना यूज़ करें। घी के मेल्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे मखाने। यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं जो इसमें मैं आगे कटोरी दिखाऊंगा आपको, उस कटोरी की सहायता से दो कटोरी। और मखानों को कर लेंगे हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे कुछ 3 से 4 मिनट बाद। हमारे जो मखाने हैं वो भुन जाएंगे और गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसको कर लेंगे कि बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र, जिससे कि अच्छे से ठंडे हो जाए। इसको चेक करने के लिए हम इसको दोनों उंगलियों के बीच में दबा करके देखेंगे। जो एक क्रंची साउंड है ये इंडिकेट है कि हमारे मखाने अच्छे से भुन चुके हैं और इसमें से कुछ मखाने हम साइड में रख लेंगे और बाकी को कटोरी के नीचे वाली सहायता से हम पीस करके रख लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसके बाद लेंगे एक सेम पैन, इसमें डालूंगा मैं 3 गिलास के करीबन फुल फैट दूध। यहाँ पर मैंने भैंस का दूध यूज़ किया है जो कि मैं डेयरी से लेके आया हूँ, और आप चाहें तो इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जैसे अमूल वगैरह का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप इसमें फुल फैट दूध ही यूज़ करें। इसमें एक उबाल आने के बाद इसमें डाल देंगे हमारे जो केसर है। केसर यहाँ पर मैंने एक चुटकी डाला है और केसर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। केसर को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए ही चलाएंगे जिससे कि नीचे ना लगे और हमारी खीर जो है अच्छी बने। इसके बाद डालेंगे इसमें मखाने जो कि हमने क्रश करके रखे हुए हैं। मखाने को कर देंगे दूध में अच्छे से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने डाले जो साबुत मखाने मैंने अलग से रखे थे वो, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम को थोड़ा सा बारीक काट के लिया था और एक इलायची को मैंने छिलका हटा करके बारीक कूट लिया था, वो भी डाल देंगे इसमें और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि यह अच्छी सी गाढ़ी खीर हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। और बीच में हम इसको 1 से 2 बार चला देंगे जिससे कि हमारी जो खीर है वो नीचे लगे ना और अच्छी से जो हमारी खीर है वो बने। मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी यूज़ की है और मैं जो पीछे जिस कटोरी की बात कर रहा था वो यही कटोरी थी। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और किसी चाहने वाले के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। हमारी खीर बनकर के तैयार है। खीर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो खीर पे ऊपर मलाई आ गई है इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स और हमारी खीर को करेंगे सर्व। मैंने यहाँ पर इसको गर्मा गर्म ही सर्व कर दिया है थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद। आप इसको फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के बाद सर्व करें, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा और ये बड़ी स्वादिष्ट बनती है। आप मेरे कहने पर इसको एक बार ट्राई करें। और सबसे मेन बात, अगर आप नवरात्रे या किसी भी तरह का व्रत कर रहे हैं तो आप इसको उसमें भी खा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते किसी नई रेसिपी में किसी